दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई रेसलर रिंग में एंट्री करता है, तो उनकी एंट्रेंस बैकग्राउंड म्यूजिक उनके आने से पहले ही बजने लगती है। आपको अंडरटेकर की बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर याद होगी, जिसमें शुरू में 1 घंटा बजता है और सभी दर्शक शांत हो जाते हैं और हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की भी याद होगी, जिसमें एक कांच टूटने की आवाज सभी दर्शकों को शोर मचाने पर मजबूर कर देती थी। कुछ फाइटर्स की म्यूजिक इतनी शानदार और जबरदस्त होती है सुनने में कि लगता है कि म्यूजिक बंद ही ना हो, बस बजती ही रहे। ये लाजवाब बैकग्राउंड म्यूजिक रेसलर्स की पहचान और छाप बन जाती है और इन फाइटर्स को लार्जर देन लाइफ बना देती है। क्या आप जानते हैं कि WWE कंपनी के इन फाइटर्स के लिए कौन है वो महान संगीतकार जो ये म्यूजिक क्रिएट करते हैं? नहीं ना फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। उनका नाम है जिम जॉनस्टन। जी हाँ फ्रेंड्स, जिम जॉनस्टन ही वो शख्स हैं जो WWE कंपनी के फाइटर्स के लिए एंट्री बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हैं। इन्होंने WWE कंपनी के लिए 10,000 से भी ज़्यादा म्यूजिक कंपोज किए हैं। जिम जॉनस्टन ने ब्रेट हिटमैन हार्ट, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, विंस मिकमैन, कर्ट एंगल, अंडरटेकर, शेन मिकमैन, शॉन माइकल्स, DX जनरेशन, कोफी किंगस्टन, हल्क होगन, क्रिस जेरिको, केन और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे ना जाने और कितने बड़े बड़े फाइटर्स की एंट्रेंस बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट की है और इन प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया है। जिम जॉनस्टन ने WWE कंपनी के लिए सन 1985 से 2017 मतलब 32 साल तक काम किया है। WWE कंपनी ने 2017 में इनको रिलीज कर दिया है। इन्होंने आखिरी एंट्रेंस म्यूजिक बैरन कॉर्बिन के लिए कंपोज की थी। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये जानकारी जानने के बाद अब आप भी मेरी तरह ही जिम जॉनस्टन के फैन बन चुके हों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।